हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं तोरण पट्टी। तो ये बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है तोरण पट्टी की, तो चलिए देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ली है वाइट वाली धागा, ये 4-ply की धागा है, और एक हुक ली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेन बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं चेन बना लूँगी और हमें यहाँ पर टोटल 25 चेन लेनी है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 25 चेन बना ली है। तो अब हम इसके ऊपर डबल क्रोचेट करेंगे। तो ये देखिए, हमें इस तरीके से इसके ऊपर डबल क्रोचेट करना है। तो हम यहाँ पर 6 times डबल क्रोचेट करेंगे चेन के ऊपर। ये देखिए, ये एक, इसके बाद फिर से हमें चेन के ऊपर फिर से डबल क्रोचेट करनी है। तो ये जो टोटल डबल क्रोचेट, ये 6 डबल क्रोचेट करेंगे हम। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 6 times डबल क्रोचेट कर ली है। ये देखिए, ये 6 times मैंने यहाँ पर डबल क्रोचेट कर ली है। तो अब मैं यहाँ पर चेन लूँगी। तो यहाँ मैं 4 chains ले रही हूँ, और इसके बाद अब हमें इस जगह पर इस तरीके से डबल क्रोचेट करनी है। तो हमें एक ही जगह से 4 times डबल क्रोचेट करनी है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर 4 times डबल क्रोचेट कर ली है। तो अब मैं इसके बाद फिर से यहाँ पर 4 chains ले लूँगी। तो ये देखिए, यहाँ 4 chains लेने के बाद हमें फिर से इस तरीके से इस जगह पर हमें फिर से डबल क्रोचेट करनी है, जो हमने अभी की थी। एक ही जगह से 4 times हमें डबल क्रोचेट करनी है। तो ये देखिए, ये भी मैंने 4 times डबल क्रोचेट कर ली है। तो देखिए, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो अब मैं यहाँ पर चेन ले लूँगी। तो यहाँ पर मैं 4 chains ले लूँगी, और 4 chains लेने के बाद फिर से मैं इस जो चेन हमने बनाई थी, इस पर हम फिर से डबल क्रोचेट करना शुरू करेंगे। ये देखिए, ये जो मैंने पहले की थी, सेम उसी तरीके से 6 times कर लेनी है हमें डबल क्रोचेट। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 6 times डबल क्रोचेट कर ली है। तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो ये देखिए, अब मैं इसे इस तरीके से पलट लूँगी, और पलटने के बाद हमें यहाँ पर फिर से 6 times डबल क्रोचेट करनी है इसी के ऊपर।
ये देखिए मैंने यहाँ पर 6 टाइम डबल क्रोचेट कर ली है। अब मैं यहाँ पर चेन लूँगी 4, और यहाँ पर जो हमने 4 टाइम्स डबल क्रोचेट की थी वहाँ से 2 घर छोड़कर फिर इस वाली जगह पर मैं इसे डबल क्रोचेट करूँगी 4 टाइम्स। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 4 टाइम्स डबल क्रोचेट कर ली है। तो मैं फिर से यहाँ पर 4 चेन ले लूँगी और फिर से 2 घर छोड़कर इस वाली जगह पर मैं फिर से डबल क्रोचेट करूँगी 4 टाइम्स। ये देखिए तो जैसे हमने पहले वाली लाइन बनाई थी सेम उसी तरीके से हमें ये सेकेंड वाली लाइन भी बना लेनी है। तो अब मैं यहाँ पर फिर से 4 चेन लेकर और इस वाली जगह पर डबल क्रोचेट करूँगी। तो इस वाली जगह पर हमें 6 टाइम डबल क्रोचेट करनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर 6 टाइम डबल क्रोचेट कर ली है। तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो अब मैं इसे पलट लूँगी और इसे पलटने के बाद मैं यहाँ पर फिर से 6 टाइम डबल क्रोचेट कर लूँगी इसके ऊपर। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 6 टाइम डबल क्रोचेट कर ली है। तो अब मैं यहाँ पर 2 चेन लूँगी। 2 चेन लेने के बाद अब जो हमने ये जो 2 चेन है इसको एक साथ लेते हुए इस तरीके से हमें क्रोचेट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अब इसके बाद मैं यहाँ पर फिर से 2 चेन लूँगी और ये 2 घर छोड़कर जो ये वाली जगह है इस जगह पर मैं फिर से 4 टाइम्स डबल क्रोचेट करूँगी। ये देखिए तो यहाँ पर मैंने 4 टाइम्स डबल क्रोचेट कर ली है। तो फिर से 2 चेन लूँगी यहाँ पर और फिर से ये जो दोनों चेन है इसे एक साथ लेते हुए क्रोचेट कर लूँगी। ये देखिए जैसे हमने इस वाली को की थी वैसे ही की है। तो हमें ऐसे ही करनी है। तो फिर से 2 चेन ले रही हूँ और फिर से 2 घर छोड़कर इस जगह पर फिर से 4 टाइम्स डबल क्रोचेट करूँगी। ये देखिए तो फिर से यहाँ 2 चेन लेकर फिर से ये दोनों चेने को एक साथ लेते हुए जैसे पहले ली थी वैसे ही दोनों चेने को एक साथ लेते हुए क्रोचेट कर लेना है इस तरीके से। और अब क्रोचेट करने के बाद यहाँ पर 2 चेन ले लेनी है और 2 चेन लेने के बाद हमें इस जगह पर फिर से डबल क्रोचेट करना है। तो 6 टाइम हम यहाँ पर डबल क्रोचेट कर लेंगे। तो देखिए ये इस तरीके का दिखेगा। तो अब मैं इसे पलट लूँगी और पलटने के बाद मैं इसके ऊपर फिर से 6 टाइम डबल क्रोचेट करूँगी।
तो देखिए मैंने यहाँ पर 6 टाइम डबल क्रोचेट कर ली है। तो अब मैं यहाँ पर फिर से 4 चेन लूँगी। ये देखिए जो हमने पहले बनाई थी सेम उसी प्रोसेस से बनानी है। तो 4 चेन लेने के बाद 2 घर छोड़कर फिर इस वाली जगह पर हमें फिर से 4 टाइम्स डबल क्रोचेट करनी है। अब मैं यहाँ पर फिर से चेन लूँगी 4 और फिर से 2 घर छोड़कर और इस वाली जगह पर डबल क्रोचेट करूँगी 4 टाइम्स। तो जो हमने पहले चेन पर बनाई थी सेम उसी तरीके से हमें अब फिर से इस पर बनानी है। तो ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए तो अब मैं इस जगह में फिर से 4 चेन लेने वाली हूँ और 4 चेन लेने के बाद फिर इस जगह पर मैं डबल क्रोचेट करूँगी 6 टाइम। तो ये जो डबल क्रोचेट हम 6 टाइम कर लेंगे फिर इसे पलटकर हम फिर से सेम इसी तरीके से दूसरी वाली जो इसकी लाइन आएगी उसे भी बना लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर दूसरी वाली लाइन भी बना ली है। तो अब हमें तीसरी वाली जो लाइन है उसे बनानी है। ये दोनों चेन को हम एक साथ लेकर क्रोचेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डबल क्रोचेट कर ले रही हूँ 6 टाइम। ये देखिए मैंने 6 टाइम डबल क्रोचेट कर ली है। तो अब 2 चेन लेकर और ये दोनों चेनों को एक साथ लेते हुए इस तरीके से और क्रोचेट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से फिर से 2 चेन लेकर और 2 घर छोड़कर इस जगह पर हमें 4 टाइम्स डबल क्रोचेट करनी है। ये देखिए मैं यहाँ पर 2 चेन ले रही हूँ और 2 चेन लेने के बाद ये दोनों चेन को एक साथ लेते हुए मैं क्रोचेट कर लूँगी और क्रोचेट करने के बाद फिर से 2 चेन लूँगी और 2 घर छोड़कर इस वाली जगह पर डबल क्रोचेट करूँगी 4 टाइम्स। तो ये देखिए अब मैं फिर से यहाँ पर 2 चेन लूँगी और ये दोनों चेनों को एक साथ लेते हुए इन्हें भी मैं क्रोचेट कर लूँगी और फिर से 2 चेन लेते हुए ये जो हमें 6 टाइम जो डबल क्रोचेट करनी है ये मैं कर लूँगी। वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, और पास ही लगे बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 6 टाइम डबल क्रोचेट कर लिया है। तो ये देखिए इस तरीके से दिखेगा बनने के बाद। तो हमें सेम इसी प्रोसेस से बनानी है, आगे भी हम इसी प्रोसेस से बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये बनने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो मेरा तोरण पट्टी बनकर रेडी है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।